ये देखिए कैशान सिटी का खूबसूरत नज़ारा। और अब हम एक चौराहे पर उतरे हैं और अभी यहाँ पर हम अपना सामान वगैरह लेते हैं और अभी हमारे पाकिस्तान में व्लॉग आने वाले जो भाई के साथ आएंगे। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक। बस अब मैं मिलूंगा नहीं तुमसे यार, चंद मिनट बाद। यार इन भाइयों ने हमें ये रूम दिया हुआ था, ये बेसिकली रूम था किसका? ये मेरा रूम था। आपका रूम था यार, हमारे लिए भाई ने अपना रूम छोड़ दिया। Assalamualaikum, we are back in another vlog and welcome back my YouTube channel. So finally जी आज हम मौजूद हैं इस्फहान में और अपने दोस्तों के घर, जो पाकिस्तानी यहाँ पर मेडिकल स्टूडेंट बन के आए हुए उनके घर हैं। उनमें से जो पहले नंबर पे वो है तफसीर भाई, क्या हाल है? ठीक है। और ये जो मेरी गैंग बैठी हुई है और दानियाल यार, इन लोगों ने मेरे साथ टैग किया था, वो वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी है, जाके देखो वीडियो। और ये देखो अभी हमने उबर करवाई है, वो आ रही है, दो मिनट के अंदर आ जाएगी। अभी जी हमने उबर करवा ली और हम जाने किधर लगे ये आप लोगों को बाद में बताएंगे। तो ये भाई साहब अभी मुझे बार बार मिलने की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं इसका क्या पॉइंट है। ना जाए जबर भाई, ना जाए, ये मोहब्बत है। नहीं यार, नहीं यार, ऐसे नहीं करो आप जबर भाई। ये आपका रूम है, ये आपका रूम है। यार इन भाइयों ने हमें ये रूम दिया हुआ था, ये बेसिकली रूम था किसका? ये मेरा रूम था। आपका रूम था यार, हमारे लिए भाई ने अपना रूम छोड़ दिया और साथ वाले रूम में जाके सोने लगा। अच्छा, भाई कौन करता था किधर रूम? कोई भी नहीं। तो आपका नहीं करता, भाई कौन करता था? आपने की नहीं है। तो यार ये यहाँ पे फन वगैरह हो रहा है और ये भाइयों के साथ बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। क्या मसला है? चलो चलो बोलो बोलो, क्या मसला है? आ गई। अच्छा गाड़ी आ गई है। ओ एक मिनट, मैं अपना वॉलेट चार्जर ये वगैरह उठा लूं। और ये देख एक मिनट, ये चार्जर निकाल लूं और ये पावर बैंक, ये चार्जर भाई को दे दिया और ये मैं इसके अंदर रखूंगा। एक मिनट के अंदर मैं ये रख के बैग पीछे पहन के फिर आप लोगों से मिलता हूं। तो बिल्कुल चाय भी। ये देखो भाई साहब अपना व्लॉग बना रहे और मैंने ये बैग वैग अपना पीछे डाल लिया है। तो चले भाई, सामान वैसे तो हमारा इधर कोई नहीं पड़ा, ये आपका पड़ा, अगर ये भी आपने पाकिस्तान भिजवाना तो दे दो, वॉलेट हमारे खाली है। तो चले भाई साहब, सामान वगैरह हमने लगा लिया है और टैक्सी हमारी बाहर वाली साइड पे आ गई है। तो ये देखो हमारी टीम तैयार हो गई है, ये मगरमच्छ वाले आंसू। तो चले यार, ये बार बार मुझे मिलने की मुझे कुछ शक हो गया भाई, इसकी नियत मुझे बदली सी लग रही है। अरे भाई कहना क्या चाहते हो? अरे भाई कहना क्या चाहते हो? सो जी मिस करेंगे इस रूम को, आप भी लीव कर रहे हैं यार, सैड सा फील हो रहा है। ओए भाई चलो आ जाओ भाई, सूफी चले 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 जल्दी चलो भाई साहब, सोए हुए हैं अल्लाह के हवाले। और अभी हम वो बात कहने वाले हैं, ले ओ यार हवाले रब दे, फिर मेले चार दिन दे, जिंदगी रही तो फिर मिलाएंगे। यार ये मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा। तो ये देखिएगा बाहर वाली साइड पे आ गए और दानियाल भाई, पाकिस्तान कब आना है? इंशाल्लाह। आपने फिर ईरान आना है? नहीं, मैं अब ईरान नहीं आ सकता, ये दिस इज माय लास्ट टूर। हम आपको ले आएंगे, आपने भी और शहरों में जाके भी भंगड़े डाल ले। नहीं नहीं वो तो ठीक है, लेकिन आप लोगों के पास और ईरान में मसलन के, ये तो इधर का ना मुलाकात, ईरान में दोबारा मैं नहीं आ सकूंगा। चलो हम जब पाकिस्तान आएंगे तो जरूर आपके पास। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, वेलकम। तो देखिए जफर भाई भी खोसा ब्रदर, ये हमारे खोसा भाई हैं डीजी खान से। नाम क्या है? मुदस्सर अल्ताफ। कौम खोसा? कास्ट खोसा। खोसा यार बार बार इस तरह का लफाज यूज ना करो, पता चल जाता पाकिस्तान बहुत हैवी माइंड के बंदे हैं। बात छोड़ो, सूफी भाई एक्सप्लेन करेंगे। हाँ बोलो 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 बोलो। खुशा इसमें दो अल्फाज बनते हैं, खुशा और ये गाली भी है। इसे गाली कहते हैं? गाली है। तो अभी थोड़ी देर वेट करते हैं और जैसे हमारी किधर है वो यार, चलो फिर ये हमारी गाड़ी आ गई है जी। सलाम आदा खूबी, डिग्गी ओपन, डिग्गी ओपन प्लीज। कह रहा मेरा। अच्छा तो ये जी बैग हमने रख दिया और ये सीट है मेरी वाली, मैं बैठूंगा इस साइड पे, फ्रंट पे बैठने वाला है भाई आपका खोसा भाई। एक दफा और मिल लो यार, खोसा भाई गुटके मिली यार। ये देखो इस बंदे को फोन, अब गुदगुदी हो रही है यार, तो क्या कर रहा है यार। ठीक है भाई, अल्लाह के हवाले।
इंशाल्लाह मिस करेंगे यार आपको, बहुत शुक्रिया अल्लाह के हवाले। बड़ा ही अच्छा टाइम गुजरा यार। ये भाई के चैनल का नाम, अपने चैनल का नाम दसो। पर्शियन बॉय, पर्शियन बॉय। और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जो बंदे यहाँ पर नए हैं भाई के चैनल को जाके सब्सक्राइब करो यार, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाता हूँ ईरान के बारे में, जो भी क्वेश्चन हो भाई साहब पूछ सकते हैं, भाई कोई भी रहनुमाई हो आपने लाजमी। और तो इनका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहेंगे इंशाल्लाह शिराज भाई। और अभी हमारे पाकिस्तान में व्लॉग आने वाले जो भाई के साथ आएंगे, ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक। बस अब मैं मिलूंगा नहीं तुमसे यार, तुम तो यकीन मानो फुल बटा फुल वो, ओके, अल्लाह के हवाले। तूने किधर सलाम लेनी है, ठीक है खोसा भाई, अल्लाह के हवाले जाना। ओ यार, ओके अल्लाह हाफिज, ओके ओके ओके, तो मर्जी मंगा चढ़वा ले, नहीं मित्रा ना चल रहा है, ओके अल्लाह के हवाले। तो जी भाइयों को हमने बिलीव करने वाली गाड़ी हमारी स्टार्ट होने वाली है, ओके अल्लाह के हवाले। ओए ये किस तरह की किस्से आज इंजॉय मेरा बाहर तरफ से ज्यादा इंजॉय रहा, मैं आई दौर पे जाना, खुदा हाफिज़, अल्लाह के हवाले। यार कसम खुदा की मिस कर रहे हैं भाइयों को यार, बहुत बुरा फील हो रहा है और दिल थोड़ा थोड़ा उदास है यार। तो चले यार, ये तो एक दुनिया चलती फिरती है और यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग मिलेंगे, लेकिन ये बहुत अच्छे लोग हैं, अल्लाह की कसम बहुत अच्छे लोग हैं। और इन लोगों से थैंक यू सो मच ब्रदर। व्हाट्स योर नेम? साईद, साईद पटवारी। वेलकम टू ईरान। ओके हमारे यहाँ उधर साईद पटवारी है, तो भाई मैं साईद पटवारी बोल रहा हूँ। तो ये देखिये जी, ये गाड़ी हमारी यहाँ से चल चुकी है। नो नो, दिस गाय, दिस वे, दिस वे। वो सामने व्लॉग वगैरह बना रहे हैं भाई, उधर आ गए। तो चले जी, अब हमारी गाड़ी यहाँ से चल चुकी है। तो अभी रास्ते में जो बातें शाती होती रहेंगी, आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी। जो बंदे नए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, मजा आने वाला है इंशाल्लाह। गोल अभी हम इस पहाड़ से निकल चुके हैं कैशान की, और अभी हम जा रहे हैं कैशान। ये हमने गाड़ी करवाई थी जी, मैं आपको साथ में प्राइस भी बता दूं, अगर आप गाड़ी में जाना चाहते हैं तो आपको कितना ज़्यादा, कितनी महंगी पड़ेगी, और आप अगर बस में जाना चाहते हैं तो वो कितनी महंगी पड़ेगी। बस आपको पड़ेगी 1 लाख पर पर्सन के हिसाब से, ये तकरीबन हमें पड़ रही है 1,20,000 पर पर्सन की। ये हमें मिली है 3,60,000 की, और ये हमें लेके जा रही है कैशान। हम अपनी हमने टैक्सी करवाई है और टैक्सी में जा रहे हैं। तो अगर हम बस पे जाते तो ये इस तरह की वाइब भी नहीं आनी थी, और रास्ते में जो माहौल वगैरह होना था वो भी हमें नहीं दिखाना था बस वाले ने, ठीक है। और बस में ये सीन होता है कि यहाँ आप ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोलते हैं तो वो कहते हैं कि खामोश हो जाओ, बोलो नहीं, अपने सॉन्ग वगैरह सुन सकते हैं या जो भी मसल की एक्टिविटी है वो कर सकते हैं, कोई मसला वगैरह नहीं है। तो अभी हम इस फहान से निकल चुके हैं जी कैशान के, और कैशान बहुत खूबसूरत और मेमोरियल जगह है, और मैं कहता हूँ कि VIP वाइब आने वाली है इंशाल्लाह। तो अभी निकल चुके हैं जी, तकरीबन 10-15 किलोमीटर कार आए हैं, आगे हम निकल चुके हैं सिटी से। तो चलते हैं फिर आके, जो एक्टिविटी रास्ते में आएगी वो आप लोगों से शेयर करते रहेंगे इंशाल्लाह। मोदी भाई साहब ने ईरानी म्यूजिक लगाई और खूब मजा हो रहा है जी, और अभी म्यूजिक हो गई है बंद यार, काफी मजा आ रहा था, फुल एंटरटेन के साथ हम एंजॉय कर रहे हैं। अभी नया गाना प्ले कर दिया भाई ने, इसको सुनते हैं और लुत्फानंदोज होते हैं यार, काफी मजा आ रहा है यार, हमको एक मतलब के एक्टिवेट पर्सन के साथ बैठ गए यार, इट्स एंजॉय। अभी हमने न्यू ट्रैक प्ले कर दिया है, और अभी चेक करते हैं इसकी बेस किस तरह की है। तो जी अभी 200 किलो प्लस मीटर करके ना अब हम आ चुके हैं इस तरफ। ये सामने जो आपको नजर आ रहा है ना, ये कैशान सिटी है, ये सामने ये चेक करें। ओके ओके ओके, आई नो दैट। ये सामने देखो, ये कैशान सिटी है, और अभी हम यहाँ से टर्न लेने वाले हैं। आगे से 500 मीटर पे ना यहाँ से टर्न होता है इस साइड। पुलिस से दरे इनार में बह रहा हूँ, पुलिस से इनार दरे में बह रहा हूँ। ये कह रहा है मैं पुलिस में हूँ, यहाँ पे मुश्किल नहीं था। ओके खूब, ये टोल प्लाजा। टोल हाँ, चंद तुमान पे दे है ऑटोमेटिक। ओके ओके, 50,000 ऑटोमेटिक। हाँ, 50,000 ऑटोमेटिक वो काटा जाता है यहाँ पे।
ओके ये देखो यार इनके टूल प्लाजे किस तरह के हैं, ऑटोमेटिक 50,000 काटे जाते हैं और इनके ऊपर कोई किस तरह का, मेरे ख्याल नंबर प्लेट स्कैन स्कैन थुमान ना नो स्कैन यूर नंबर प्लेट कार नंबर प्लेट स्कैन फलाक ना नो नंबर 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 कार या स्कैन दिस टूल प्लाजा कैमरा वो भाई इनका ना टूल प्लाजा जो है ऑटोमेटिक वो नंबर स्कैन कर लेता है और 50,000 इनके अकाउंट से काटा जाता है। जबरदस्त सीन है यार, बहुत जबरदस्त है, हमारे लाइनों लगी होती ईरान ऑटोमेटिक कह रहा है ईरान के अंदर सब कुछ ऑटोमेटिक है, बहुत जबरदस्त है यार, बहुत जबरदस्त, क्या बात है। हमारे यहाँ भी यार इस तरह के कुछ कर लो यार, अकल को हाथ मारो यार थोड़ा बहुत। और इधर ऑटोमेटिक स्कैन करके उनमें से पैसे काटे, उधर पर्चियां लगी होती हैं, बाद कोई जगह आता तो वो नहीं देता, वैसे फारिग होके चला जाता है। तो चलो जी अभी हम कैशान पहुंचने वाले, वो सामने हमारे कैशान सिटी है, उसके अंदर भाई साहब हमें ड्रॉप करेंगे, तो चले फिर आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली जी अभी हम कैशान सिटी के अंदर उतर आए हैं और दरवाजे वगैरह हमने खोल लिए हैं। ये देखिए कैशान सिटी का खूबसूरत नज़ारा, और हम एक चौराहे पर उतरे हैं और अभी यहाँ पर हम अपना सामान वगैरह लेते हैं, उसके बाद फिर आगे वाला सीन शुरू होने वाला है। तो ये देखो जी भाई साहब अभी निकाल रहे हैं, दिस इज माय फ्रेंड, दिस इज माय ओके, उसको भी पैसे देने, यू कम टू डिसाइड कम काबिल ना दे रहे। अभी भाई साहब पैसे देने लगे भी काबिल सुनो ना दे रहे भाई साहब, पता नहीं क्या कह रहे हैं सर, लेकिन वो ट्रांसलेट कर रहे हैं। मेरा दिल कहता है कि तुम हरगिज काबिल नहीं है, ये कुछ ओके एक दो तीन 50 और दो ना, 50 ऊपर वाला और ये ऊपर वाला 50 ही है, ये 10 और हाँ ठीक है 9 है ये नहीं 10 और दो कह रहा है कि पैसे नहीं लेते यार, कुछ इखलाक बंदा है वो कह रहा है मैं पैसे नहीं लूंगा। वेट माय फ्रेंड यू गिव मी 10 एंड 5 मोर दिस 5 ओके थैंक यू अभी हमने 3,65,000 दे दिए भाई, थैंक यू ब्रदर भाई साहब से हमने नंबर शंबर ले लिया और अभी उतर गए हैं कैशान सिटी के अंदर और काफी अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ पर आगे यार। अंडरस्टैंड ओके थैंक यू सो मच नाइस टू मीट यू। यहाँ पर हम ढूंढते हैं कोई मेहमान पजीर, कोई अच्छा सा सस्ता सा मिल जाए फिर वो ले के आगे वाला सीन बहुत जबरदस्त होने वाला है। कैशान सिटी इतनी खूबसूरत है कि आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन इशारा बांध है चलो भाई आ जाओ, अभी हम यहाँ से गुजरेंगे उस साइड पे उस स्ट्रीट में चलते हैं, यहाँ पर ढूंढते कोई मेहमान पजीर। सूफी कह रहा है कि लाइन दाई ये सब्जी वाली दुकान है सामने, ये स्ट्रीट है आइसक्रीम वाली दुकान है। चलो भाई अभी कोई मेहमान पजीर ढूंढते उसके बाद फिर आगे देखते हैं। सब यहाँ पर ना होटल ढूंढने के लिए आए थे और ना होटल यहाँ पे मिल रहा है, थोड़ा महंगा मैं वो तो काफ़ी महंगा बता रहा है, वो तकरीबन 7.5 लाख मांग रहे हैं हमारे से 3 बंदों के। तो अभी ये भाई साहब मिले हैं जो साथ जा रहे हैं, तो इस भाई साहब ने बोला है कि आओ मेरे साथ मैं आप लोगों को मेहमान पजीर ढूँढ के देता हूँ, तो उनके साथ जा रहे हैं तो ढूँढते हैं, अगर भी अच्छा सा मिल जाता तो ठीक है, फिर आगे क्या सीन होने वाला है। अभी फिल वक्त तो सर्चिंग में जा रहे हैं भाई साहब। क्या साहब यू आर नेम ब्रदर? मैन हामिद। हामिद भाई साहब का नाम हामिद है और इस भाई साहब के साथ जा रहे हैं। हम ये होटल देखने आए थे, ये तो काफ़ी एक्सपेंसिव है यार, ये 1 मिलियन तो मान मांग रहा है, पीछे वाला जो बंदा था वो मांग रहा था 7.5 लाख, लेकिन ये भाई तकरीबन हमसे ना वो मांग रहा है 1 मिलियन तो मांग 10 पर 11 हम भरा अस चले हैं थले क्योंकि ये तो बड़ा महंगा है। तो भाई जान काफ़ी सफ़र करने के बाद ना अभी हम यहाँ पर आए और ये सामने एक चौराहा टाइप बनी हुई जगह, ये सामने देखें कितना प्यारा समथिंग लिखा हुआ है, लेकिन तो अभी जब हम आ गए दरवाजे दौलत, अरे जैसे दरवाजे दौलत ओके जी सामान हम लेके उतर रहे हैं ठीक है। अभी भाई को 20,000 देने, यो भाई साहब 20,000 रुपये देंगे भाई। यहाँ से गुजर रहे थे तो रास्ते में ये खजूरें दिखी हैं,
और भाई साहब ने अभी तोल के दिए 50,000 के, हमने खजूरें लिए अभी खाएंगे फिर इनको इंजॉय करेंगे। और भाई साहब पैसे दो यार 50,000 रुपये। अभी जी हम मैंने एक हॉस्टल के अंदर आए हैं, इसमें शुमारा है शीश, ये शुमारा है 6 नंबर, इसको खोल के देखते हैं ये किस तरह का है। और ये ठीक कह रहा है, इसमें गुजारा हो जाएगा, ठीक ही है, गुजारा करने के मुताबिक ठीक है ये है? चार, चार के ना? हाँ चार में कर लिया। चलो अभी हाँ हाँ क्या कह रहा है यार, इसमें किचन मेरे ख्याल में नहीं है। कुकिंग नो तकसीम प्लीज। सुबह सुबह 1 बजे ओके जोर ठीक है। हाँ 4:30 ओके शूज रूम नो यही पर होता ओके 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 क्या खाबशी है सुनो किराया मैंने बताया पासपोर्ट किराया चंद मिनट बाद ना पासपोर्ट हाँ पासपोर्ट दे दो कह रहा पासपोर्ट दे दो पाकिस्तान को लाहौर अभी जिनको पासपोर्ट दे रहे हैं और किराया भी देना है ओके पासपोर्ट किराया बात बात छह बार शाम दो यार जल्दी दो डब्ल्यू सी कुकिंग नो किचन किचन है क्या कह रहे किचन भी है हमारे पास वो उस तरफ नीचे है तो अभी जी ये वाला रूम हमने ले लिया चल के ना बैठते उसके अंदर हमें ये रूम मिल गया और आप लोगों को पता है 4.5 लाख हमने रूम दिए और सुबह तकरीबन 12 बजे के राउंड अबाउट हमें चेकआउट करना होगा तो अभी इस रूम में रुके हैं सफ़र काफ़ी किया था और गाड़ी में तो हमें नहीं पता चला लेकिन यहाँ पर सफ़र करने की वजह से ना ये देखो यार ये लाल हो गए हैं बूट के अंदर पैर ना बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी पैरों में और अभी हम रूम में आ गए हम खजी वगैरह लेके आए थे वो कह रहा है यहाँ पे कुकिंग भी है लेकिन कुकिंग शायद हम यहाँ पे करें या ना करें तो फाइनली जी उम्मीद करता हूँ कि ये वाला व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो अल्लाह हाफिज़।